टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के सब्जी मार्केट के पास स्थित मूसा कासम इमारत के पहले मंजिले पर रहने वाले इरफान सिद्दीकी मेमन के घर में चोरी की घटना सामने आई। 3 मोबाइल फोन सहित करीब 1,80,000 रुपये की चोरी हुई। इरफान मेमन ने बताया कि रात करीब 3 से 4 बजे तक वो खुद जग रहे थे, मगर उसके बाद सो गए। जब सुबह उठकर देखा तो घर के दरवाजे की जाली फाड़ कर कड़ी खोल दी गई थी और उनके बेडरूम की अलमारी और एक दरवाजे के पास जो अलमारी है उसमें सामान बिखरे पड़े हुए थे। इरफान ने बताया कि 3 मोबाइल फ़ोन सहित करीब 1,80,000 रुपये की चोरी हुई है, जिसकी शिकायत उन्होंने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान सिद्दीक मेमन है। अच्छा, क्या ये चोरी की घटना चोरी कब हुई है? मैं 4 बजे तक रोज जागता हूँ। मैं तो आज भी 4 बजे तक जाग रहा था तो 4:30 बजे मेरी आँख लग गई। तो सुबह उठ के मैं मतलब सो गया। फिर मैं बाहर हॉल में सोया, मेरी वाइफ बेडरूम में सोया, औरत और बच्चा। तो सुबह मैं उठ के देखता हूँ तो मोबाइल गायब, देखा सब सामान बिखरा हुआ है मेरा। किसी ने स्प्रे मार के मतलब मुझे ये कर दिया और मैं सो ही लाऊँ। अच्छा, तो कहाँ ये कैसे अंदर कैसे आया चोर? वो वहाँ से कड़ी खोलती, वो कड़ी की जो जाली खिड़की दरवाजे के पास एक कड़ी है, कड़ी का हाथ डाल के वो जाली काट के उसने अंदर से घुसा। और यहाँ जो बेडरूम की अलमारी ये भी खुली है और जो बाहर है वो भी खुली है। तो क्या चोरी क्या हुई? चोरी में अलमारी के अंदर 1.5 लाख रुपया कैश था और 2 तोले की बंगड़ी थी और 2 तोले की चेन थी। और मेरा किराना शॉप है तो कल पेमेंट देने का था मुझे व्यापारी को, तो मैं 30,000 रुपये मेरे जेब में रख के, पैंट की जेब में रख के मैं सो गया था। सुबह उठ के देखता सब सामान बिखरे रहे मेरा सब। अच्छा, जो जेब में रखे थे वो भी पैसा गया। अच्छा, और 3 मोबाइल गए मेरे। अच्छा, कंप्लेंट वगैरह? कंप्लेंट वगैरह के हम लोग शैलेश साहब है, उतने बहुत अच्छा कॉम्प्लेट के, सिंगम पाटिल साहब और क्या नाम इसका पवार और श्याम पवार साहब ने भी इधर आके फटाफट के ट्रीटमेंट बहुत अच्छी थी। पुलिस वाले ने हमारे को शैलेश साहब और सिंगम पाटिल साहब ने